देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर नैनीताल से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून से नैनीताल के बीडी पांडे पुरुष चिकित्सालय में आईसीयू यूनिट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम गरीब आदमी को उत्तम एवं आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जो सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं की हैं वह प्रशासनीय हैं। जिलाधिकारी के प्रयासों से अस्पताल में स्थापित की गई डिजिटल एक्सरे मशीन का लाभ निश्चित ही दूर दराज के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बंसल ने बेताल घाट में जो टेली मेडिसिन सेवा कुछ समय पहले प्रारंभ की थी उसका लाभ पर्वतीय क्षेत्र के सैकड़ों दुर्गम इलाकों के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी की तारीफ कर सहकर्मी को भी बधाई का पात्र बताया। 2045 चिकित्सकों को तैनात कर दिया। इसके अलावा 159 दंत चिकित्सकों को भी तैनात किया गया जो कि दंत चिकित्सा के अलावा प्राथमिक उपचार भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि निशुल्क चिकित्सा उपचार हेतु अटल आयुष्मान योजना जन स्वास्थ्य देखरेख में सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके अंतर्गत 5 लाख तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 180 सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों की सूचीबद्ध किया है। इस योजना का अब तक लगभग 1,57,000 लोग लाभ उठा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारती राणा ने बताया कि बीडी पांडे चिकित्सालय प्रारंभ हो गया है। आईसीयू कक्ष में 4 बेड के अलावा 4 मल्टी पैरा मॉनिटर तथा एक एक डिफिब्रिलेटर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, 5-वेज मशीन, इन्फ्यूज पंप तथा वेंटिलेटर भी स्थापित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नैनीताल से जहीर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। जिला चिकित्सालय है नैनीताल जिले का, उसमें आज आईसीयू के 4 बेडेड आईसीयू की आज शुभारंभ किया गया है जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और आपने देखा होगा 4 आईसीयू बेड्स हमें मिले हैं। इसके अतिरिक्त हमें एक वेंटिलेटर मिला है, साथ में हमें मल्टीपैरा मॉनिटर्स मिले हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन मिली है, बायपैक मशीन मिली है। ये सारे उपकरण हमें मिले हैं और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी यहाँ पे स्थापित कर दी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और साथ में सक्शन भी, सेंट्रल सक्शन भी लगाया गया है। जैसे कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए अथक प्रयासों से हमें एक बहुत बड़ा जनरेटर 62 KV का जनरेटर भी मिला है जो कि इसके लिए बैकअप साबित होगा और हमारा ICU बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। और हमारी नैनीताल की जनता को हम जब इमरजेंसी में हमें रेफर करना पड़ता था हल्द्वानी या कहीं और, अब हम 4 बेड हमें आईसीयू मिले हैं, हमें हमारी जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और जिला चिकित्सालय हमारा इसी तरह से मतलब उन्नति करेगा और एक बहुत बड़ी पहल है कि छोटे से जिले में आईसीयू की स्थापना हुई है। और ये हमारे महानिदेशक महोदय, हमारे स्वास्थ्य सचिव सर और मुख्यमंत्री जी का और हमारे जिलाधिकारी महोदय की बहुत बड़ी पहल है। We'll be right back.